So I'm very happy and proud to be a part of this film, and I'm glad कि रेवती जी ने मुझे एक छोटा सा मौका दिया कि मैं भी इस फिल्म का हिस्सा बन सकूं. इतनी कमाल की का रिश्ता है माँ और बेटे का इस फिल्म में, जो काजल और विशाल ने बहुत ही बखूबी निभाया है. So it's a wonderful film and it's a gem of a film. सुपरस्टार आमिर खान फिल्म सलाम वेंकी से एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। फिल्म में आमिर कैमियो रोल में नजर आएंगे. बुधवार को फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग पर आमिर ने फिल्म की लीड कास्ट और फिल्म डायरेक्शन की जमकर तारीफ की. ये फिल्म मेरे बारे में नहीं है, ये वेंकी के बारे में, और इसी का टाइटल इसलिए सलाम वेंकी. और बहुत ही एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, और ख़ास बात यह कि ये एक सच्ची कहानी है. वाकई वेंकी जो है हमारे साथ थे कुछ साल पहले, उनकी माँ सुजाता, इन दोनों की कहानी इतनी इंस्पिरेशनल है और इतनी दिल को छू लेती है. और मुझे इतनी खुशी हुई कि रेवती जी ने ये डिसाइड किया कि उनको ये फिल्म बनाना है. और दिस फिल्म इज़ सो ब्यूटीफुल, इट्स सो मूविंग. हर आर्टिस्ट ने इतना अच्छा काम किया है, काजल ने, विशाल ने, ईच एंड एवरी एक्टर हैज़ डन सो वेल. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, एंड आई एम ग्लैड कि रेवती जी ने मुझे एक छोटा सा मौका दिया कि मैं भी इस फिल्म का हिस्सा बन सकूं. लेकिन ये फिल्म हम सब से बहुत बड़ी है, और जो मुद्दा उठाया है और जिस तरह से सुजाता जी और वेंकी की कहानी लोगों के सामने लाई है रेवती जी ने, इट्स रियली अमेजिंग. सो कंग्रेचुलेशंस रेवती, एंड आई होप आप लोग सब देखें और आप लोगों को खूब पसंद आए. और हम वेंकी और सुजाता जी की कहानी से, हम उनकी लाइफ से, उनके स्ट्रगल से, उनकी विक्ट्री से हम कुछ सीख सकें. सलाम वेंकी की स्क्रीनिंग पर फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे नजर आए. फिल्म की लीड हीरोइन काजोल स्क्रीनिंग पर बेहद खूबसूरत लुक में नजर आईं. एक्ट्रेस ने साड़ी लुक में कहर ढाया. स्क्रीनिंग पर काजोल के परिवार से उनकी माँ और बहन तनीषा पहुँचे थे. वही फिल्म के दूसरे लीड विशाल जेठवा भी ब्लैक आउटफिट में काफी डैशिंग लग रहे थे. सलाम वेंकी फिल्म एक DMD मरीज के बारे में है, जो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीना चाहता है, और किस तरह से उसकी माँ अपने बेटे को खुश रखने में अपनी जी जान लगा देती है. सलाम वेंकी 9 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी. INS रिपोर्ट.